नमस्कार, कुसुम कुकिंग लैब में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम की खट्टी मीठी चटनी, इसको लौंजी भी कहते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कच्चे आम लिए हैं। मैंने अच्छे से सारे आमों को धो लिया है। अब हम कच्चे आम के छिलकों को हटाएंगे और इन्हें लंबाई में छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग। अब इसमें ऐड करेंगे कटे हुए कच्चे आम। अब इन मसालों को और कच्चे आम को 2-3 मिनट तक अच्छे से मिलाएंगे। अब हमें इसे ढककर 2 मिनट तक पकाना है। अब हम खोलकर देखते हैं, आमी पक चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ पिसे हुए मसाले। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर 3/4 कप गुड़ ऐड कर रहे हैं, लगभग 1/4 कप। अच्छे से चलाते रहेंगे जिससे गुड़ अच्छे से घुल जाए। आप गुड़ की जगह इसमें मिश्री या फिर चीनी भी ले सकते हैं। अब हम ढककर इसे 10 मिनट तक पकाएंगे जिससे मसाले और आमें अच्छे से पक जाएं। कच्चे आम की लौंजी बनकर तैयार हो गई। अब हम इसे कांच के जार में रखकर 10-12 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और यह पूरी पराठों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस गर्मी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। यह रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर मिल अब अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।